चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। पचास से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी यसी फिल्म्स के बैनर तले एक और नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि यसी फिल्म्स के ओनर अभय सिन्हा हैं, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपर डुपर हिट फिल्में दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक और नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया। जी हां, आपको बता दें कि यसी फिल्म्स के बैनर तले जिस फिल्म का निर्माण किया जाएगा उसका नाम है राजपथ। जी हां, आपको बता दें कि राजपथ में एक बार फिर से भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ नजर आएंगे, जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनिल अजीताब। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि इस फिल्म के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी लीक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो राजपथ की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। खबरों की माने तो राजपथ की शूटिंग नेपाल के खूबसूरत वादियों के साथ साथ फिल्म को बाहर लोकेशन पे भी शूट किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है, ना ही यह पता चल पाया है कि दिनेश यादव निरहुआ के साथ इस फिल्म में कौन सी अभिनेत्री काम करेगी, लेकिन इतना कंफर्म कर दिया गया है कि फिल्म राजपथ में दिनेश यादव निरहुआ होंगे, जिसे डायरेक्ट करेंगे अनिल अजीताब। अब देखना यही होगा कि अभय सिन्हा की टीम की तरफ से इस फिल्म के बारे में ऑफिशियली जानकारी कब दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि अभय सिन्हा ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साफ सुथरी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पिछले साल भी कई सारे सुपर डुपर हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दिया है। अब देखना यही होगा कि राजपथ में दिनेश यादव निरहुआ का कौन सा कैरेक्टर दिया जाता है, इसका हमें इंतजार जरूर रहेगा।